हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प पर। तो दोस्तों, आपके ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी हमारी जो आंसर की है ये हमारे इसकी कब हमें देखने को मिलेगी। जो आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग का एग्जाम, जैसा कि आपको मालूम है, कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए आंसर की हमें कब तक देखने को मिल सकती है, क्या इसकी डेट रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ था 16 तारीख से स्टार्ट था, जहाँ पर प्रिंसिपल का, फिर पीजीटी, फिर हॉस्टल वार्डन का और जूनियर असिस्टेंट का 17 दिसंबर को था, फिर 23 तारीख को लैब अटेंडेंट और टीजीटी का था, और 24 तारीख को आपका टीजीटी मिसलेनियस और अकाउंटेंट का एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिला था। यानी कि 24 दिसंबर को आपके जो एग्जाम है वो कम्प्लीट हो चुके थे। आज हो रही है 26 दिसंबर, ठीक है। देखिए, 24 को तो कम्प्लीट हुआ, 25 की क्रिसमस की छुट्टी, और 26 को भी एक आर एस छुट्टी थी, जो कि कई जगह छुट्टी हो सकती है, तो हो सकता है ये हमारे समय आपको छुट्टी देखने को मिली हो, ठीक है। तो अब जो आपका रिजल्ट आंसर की आने के पूरे पूरे चांसेस है वो 27 को, 28 को और 29 तारीख को, कभी भी आपको आंसर की, इवन 30 तारीख को भी आपको देखने को मिल सकती होगी, 30 का सैटरडे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन 4 दिनों में आपको जो आपकी आंसर की है डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, और यहाँ से एक अपडेट और है आपके लिए दोस्तों, कि जिस किसी भी कैंडिडेट ने, यहाँ से देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर चले आना, तो जिस किसी भी कैंडिडेट ने जेएसए का एग्जाम फिल किया था, उसके लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, यहाँ पर पूरा मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया। तो जो भी एग्जाम दिया है जेएसए का जिसने भी, तो वो इन दो वीडियो को देख लेना, ठीक है। जेएसए का कट ऑफ किया जाएगा वो यहाँ पर दे रखा है, हॉस्टल वार्डन वगैरह के भी मैंने कट ऑफ यहाँ पर बता रखे हैं, तो जाके एक बार चेक चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, ये हमारे इसके थ्रू आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ हो, जिसमें टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट का आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ हो, तो उसकी जो आंसर की है मैंने आपको बता दी कब आपको देखने को मिल जाएगी, या तो 27 तारीख को, या 28 को, या 29 या 30, इन्हीं 4 दिन में से आपको आपके आंसर की है डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें पूरे जो आंसर है वो सही सही आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपना एक सटीक आंकड़ा जान सकते हैं कि मेरे जो है 120 में से या 130 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हम एक पोल कंडक्ट करा देंगे, जिसमें आप अपना पोल करिएगा, जितने ज्यादा कैंडिडेट पोल करेंगे वहां से आपको एक कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा, और बाकी के जो है आगे फेज की तैयारी, यानी सेकंड फेज जो होगा, स्टेज सेकंड होगी, उसकी तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अपडेट की आंसर की कब आएगी। दोस्तों, इसके बारे में जैसे ही अपडेट आ जाएगी ना ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा, तो उसके लिए द एग्जाम एपर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जीके चैनल है द एग्जाम जीके, इसको सब्सक्राइब कर लेना किसी भी तरह के एग्जाम की गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, वीडियो चलो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।